हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। इसमें हम लोग देखेंगे अबाउट ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, क्योंकि ये कल के इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में भी, कल मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसको डिस्कस किया था। ओके, एंड आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि ये सब डिस्टर्ब हो रहा है आजकल जैसा ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैं इसको आपके साथ डिटेल में कर रहा हूँ, बिकॉज आई एक्सपेक्ट इट टू बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर मेन्स 24। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें पहले हम ऑब्वियसली एक डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके की कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या मिलके बनता है पूरा ऑर्डर। उसके बाद करंट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एंड ये एक सिप्री की रिपोर्ट है जिसकी हम बात करेंगे अभी। इसके बाद क्या क्या कन्वेंशंस हैं ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर से रिलेटेड। सिमिलरली इंडिया की पोजिशन क्या है इसमें। देन इश्यूज विद GNO, इश्यूज ग्लोबल लेवल पर भी एंड स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कि और क्या फर्दर स्टेप्स लेने की जरूरत है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर, और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर देके जाना। ऑलराइट, चलिए डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो देखिए, यू कैन से दैट दिस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इट कैन रेफर टू एवरीथिंग, दैट इज जो भी इंटरनेशनल सिस्टम तैयार किए गए इसके लिए, या जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं, जो भी नॉर्म सेटअप किए गए, या जो भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस पूरे ग्लोबल न्यूक्लियर को रेगुलेट करने के लिए। ओके, रेगुलेशन से यहाँ पे मतलब क्या है कि उनका एक तो पोजीशन नहीं होना चाहिए लोगों के पास, कंट्रीज के पास, ठीक है, उनका यूज ना हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका प्रोलिफरेशन ना हो। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर स्टेट लाइक सपोज पाकिस्तान या चाइना, वो शेयर करना शुरू कर दे सबसे टेक्नोलॉजीज, ठीक है, कि ईरान भी ले लो, सऊदी अरेबिया भी ले लो, ओके, ये रही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सब लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, तो इस तरह का प्रोलिफरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए कई कन्वेंशन बनाए गए हैं, अथॉरिटीज बनाई गई हैं, जिनकी अभी हम बात करेंगे। ओके, एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि देखिए जो रग स्टेट है ना लाइक नॉर्थ कोरिया और स्पेशली पाकिस्तान, अब सोचिए पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन गलत ग्रुप्स के हाथ में चला जाए, ठीक है, टेररिस्ट सॉर्ट ऑफ ग्रुप, नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चला जाए, ओके, तो उसका अगर स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसका कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेपन बट आल्सो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक पूरा नेटवर्क, सारी ट्रीटीज हो, एग्रीमेंट हो, नॉर्म्स हो, जो भी इवॉल्व हुए ओवर द टाइम, ताकि वो मैनेज कर सके न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड सभी रिस्क को, वो पूरा हमारा बनता है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। ऑलराइट, चलिए इसके की कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नॉन प्रोलिफरेशन, तो नॉन प्रोलिफरेशन से क्या मतलब है। देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन से एक सिंपल सा मतलब है कि इसका जो स्प्रेड है वो हमें रोकना है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप इरिस्पॉन्सिबल कंट्रीज के साथ शेयर मत कीजिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर मत कीजिए, और जो न्यूक्लियर वेपन है अपने आप में वो भी शेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उनका स्प्रेड, स्प्रेड यानी नॉन प्रोलिफरेशन, तो वो अचीव करना पहला गोल है। दूसरा डिसआर्ममेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन बन भी गए तो उनको अल्टीमेटली एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है, सभी कंट्रीज आपस में एग्री करें। देखिए, हम लोगों ने बायोलॉजिकल वेपन, ओके, और केमिकल वेपन्स, ये सब वर्ल्ड ने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। तो अगर ये अचीव किया जा सकता है तो न्यूक्लियर वेपन्स को भी एलिमिनेशन अचीव किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज डिसआर्मामेंट। थर्ड इज न्यूक्लियर मटेरियल स्टेबिलिटी, दैट इज इनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज या कह लीजिए फैसिलिटीज, ठीक है, इन सब का थेफ्ट वगैरह रोका जाए, ठीक है, या इनका जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो रोका जाए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो सब टेक्नोलॉजी उसने चोरी की थी इधर उधर से, ओके, तो ये जो मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या यूरेनियम हो, इस तरह की, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना भी इसी का एक कॉम्पोनेंट है। फोर्थ इज पीसफुल यूज, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, न्यूक्लियर को आप यूज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। अगर कोई कंट्री ये अश्योरेंस देती है कि हमें कोई वेपन वेपन डेवलप नहीं करना है, हम सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, आप इसको इसको यूज कीजिए, आप मेडिसिन में यूज कीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, हम ओवरऑल सभी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका पीसफुल यूज प्रमोट करना है, ना कि इसका यूज वेपन्स बनाने में यूज करना है। इसके लिए हमने कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कई ट्रीटी साइन की, उसी में से एक ट्रीटी है NPT।
अब देखिए, एनपीटी हो, एनएसजी हो, ये सब कल मैंने आपके साथ प्रीलिम्स का जो लेक्चर नंबर 5 है, प्रीलिम्स रिवीजन का, उसमें डिस्कस कर दिया है, तो वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पे हमने वो सब बातें कर ली है, कौन सी ईयर में बनी, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया किसका मेंबर है और कब बना, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, बाइंडिंग है, वॉलंटरी है, वो सारी बातें कल उस लेक्चर में हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इन सब चीजों को डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। एनपीटी बन जाओ, ठीक है। उसी तरीके से सीटीबीटी बना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और भी अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे 2017 में हुआ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाई गई। उसी तरीके से इंटरनेशनल बॉडी सेटअप की गई, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है न्यूक्लियर साइट्स का, कि आप लोग जो यूरेनियम को एनरिच कर रहे हो, आप यूरेनियम एनरिचमेंट 20-30-40% तक ही कर रहे हो ना, क्योंकि मोर देन जब 90% हो जाए तो वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम बन जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स लगाए जाते हैं उसके लिए, तो इनके इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी आईएईए के पास है। तो एक टाइम पर जब यूएसए ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसमें यही सब था कि आप अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको ओपन करेंगे आईएईए के इंस्पेक्शन के लिए, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके बनते हैं न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर, राइट। करंट स्टेटस देखते हैं। देखिए, सभी कंट्रीज स्पेशली, पहले तो किस किस के पास है वो देख लो। तो एक तो आपकी जो P5 कंट्रीज हैं, जो यूएनएसए की परमानेंट मेंबर है, दैट इज यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये पांचों न्यूक्लियर स्टेट हैं। इसके अलावा चार स्टेट ने और इसको अलग से बाद में टेस्टिंग की है, जिसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और ये जो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है, ये माने जाते हैं रग स्टेट। रग स्टेट से मतलब है कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये कल को जोश में आके यूज भी कर दे, स्पेशली नॉर्थ कोरिया। और इस नॉर्थ कोरिया की वजह से ही तीन कंट्रीज बहुत थ्रेट में रहती हैं, दैट इज ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। अब ऐसा नहीं है कि इन तीन कंट्रीज के पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये और भी बेटर, और भी ज्यादा डेडली, और भी कम टाइम में न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। ऑल दीज आर टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, राइट, बना सकते हैं, बट वो अभी तक शांत है ताकि ऐसी नौबत ना आए। बट इस ये जो आर्टिकल कल आया था न्यूज़पेपर, उसका क्रक्स यही था पूरा, कि ये ऑर्डर, अगर जो न्यूक्लियर ऑर्डर है ग्लोबल, ये बिगड़ता चला गया, तो इन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू गो न्यूक्लियर। और ये पूरी की पूरी जो रीजन है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएंगे, राइट। तो सभी कंट्रीज अपने मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन में लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, सभी अपने वेपन्स बढ़ाते जा रहे हैं, वॉर रेडी कर रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड ऑल दिस। ओके, ग्लोबल इन्वेंट्री की अगर हम बात करें ना, तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 12,512 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर, ओके। और जिसमें से 9,576, इतने ऑलमोस्ट पोटेंशियली मिलिट्री के पास रखे हुए, मिलिट्री स्टॉक पाइल, ओके, विच आर ऑलरेडी इन रेडी टू यूज कंडीशन। अब अगर इन 12,000 की बात करोगे ना, तो इसमें से मोर देन 90% सिर्फ दो ही कंट्रीज के पास है, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर, ओके। एंड लास्टली, आर्म्स कंट्रोल की बात अगर हम करें, तो कल मैंने आपको उसमें बताया भी था कि रशिया ने जो कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी थी उससे बाहर निकल गया है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो भी आपस में ट्रीटी चलती थी यूएसए यूएसएसआर की, जैसे स्टार्ट, ओके, या एक और फिर आई बाद में न्यू स्टार्ट, ये ऑलमोस्ट 2026 तक एक्सपायर हो जाएगी, ये ऑलरेडी एक एक्सपायर हो चुकी है, इसको एग्जिट कर चुका है। उसी तरीके से एक और ट्रीटी होती थी आईएनएफ, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल रेंज वाली, ठीक है, उस ट्रीटी से भी बाहर निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आर्म्स कंट्रोल के लिए जितनी भी ये ट्रीटी साइन की गई थी, वो सब डिसमेंटल हो रही है धीरे धीरे, राइट। और चाइना अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ये कह के बढ़ाता जा रहा है बार बार, कि जो यूएसए वो पैसिफिक में क्यों एंटर करता है इतना ज्यादा, ठीक है, और वो यूएसए को ही अपना एक कॉम्पिटिटर या थ्रेट मानता है, तो उसके पास रीजन रहता है कि मैं अपनी वॉर रेडीनेस इसलिए रखता हूं बिकॉज आई हैव टू काउंटर यूएसए। अब चाइना जब ये रेडीनेस रखता है, तो फिर इंडिया कहता है हमें भी रेडी होना होने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना हमारे लिए थ्रेट है। अब इंडिया जब ये चीज करता है, तो पाकिस्तान को रीजन मिलता है कि हमें भी न्यूक्लियर रेडी रहने की जरूरत है बिकॉज इंडिया इज अ एनिमी, राइट। तो ये चारों कंट्रीज एक दूसरे में इस तरीके से उलझी हुई है, और यूएसए कहां उलझा हुआ है, वो उलझा हुआ है रशिया से, क्योंकि रशिया का स्टैंड बहुत क्लियर है,
अगर दुनिया में हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, उसका बहुत क्लियर है. इफ रशिया गोना डाय देन इट विल टेक होल्ड वर्ल्ड विद इट. ओके, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से उलझी है. सबसे बेस्ट है यूके फ्रांस, बना रखे हैं अपने न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स, अपडेट भी नहीं करते, मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने की कोशिश भी नहीं करते, जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा कोई थ्रेट ही नहीं है अभी तक तो उनको. ओके, तो देखिए अब जरा ये सिप्री की रिपोर्ट को देखिए. रशिया सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, रशिया सबसे ज्यादा वेपन्स 2815, यूएसए ओके 1938, और नाइन न्यूक्लियर आर्म्ड हैव डिप्लॉयड एंड और स्टोर्ड एटलीस्ट 9500 वॉरहेड्स एज ऑफ जनवरी 23. ठीक है, अब जरा फ्रांस को देखिए, जस्ट 10, यूके जस्ट 105, चाइना 410, वो बढ़ा रहा है क्योंकि उसका कंपटीशन यहाँ है. ठीक है, यूएसए को खैर कोई परवाह नहीं है ज्यादा, वो इतने वेपन्स भी बहुत होते हैं कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए. पाकिस्तान 170, इंडिया 164. तो इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो पूरी इंसानियत को निपटाने के लिए काफी हैं. चलिए अब देख लेते हैं कन्वेंशंस वगैरह, तो ये सब मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर दिया है तो अब इसमें दोबारा टाइम देने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस इज एनपीटी, ये 1968 में ही आया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फॉलो कर रहे हो तो फिर सारी सीरीज फॉलो करो, तभी एक होलिस्टिक नॉलेज मिलेगा. ऐसा नहीं है कि वो चीज वहां पढ़ी है तो वो यहाँ नहीं पढ़ना है, इस तरह की चीजें. ठीक है, साइन हुई थी 1968 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1970. इसके तीन पिलर है मेनली जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं. फर्स्ट इज नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि यहां पर सभी कंट्रीज को प्लेज लेना होगा कि मैं अगर न्यूक्लियर स्टेट हूं तो मैं किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के साथ ये वेपन्स की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करूंगा. ठीक है, ये पहला प्लेज. और दूसरा, अगर मैं नॉन न्यूक्लियर हूं तो मैं प्लेज लूंगा कि मैं कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा. ओके, ये पहला गोल हो गया. दूसरा, डिसआर्ममेंट, वो कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे विल टेक ए प्लेज कि हम लोग इस आर्म्स रेस जो चल रही है इसको कंट्रोल करेंगे. ठीक है, और धीरे 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 हम कंप्लीट डिसआर्ममेंट यानी कि एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. एंड थर्ड, कि हम इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वेपन्स के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर या इस तरह की चीजों में, दैट इज पीसफुल यूज, राइट. ओके, बट इन्होंने इसमें क्या किया, अब इंडिया इसको अपोज क्यों करता है एनपीटी को? इंडिया कहता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है ये ट्रीटी. क्यों? क्योंकि इन्होंने 1968 में जब ये ट्रीटी बनाई ना, तो इन्होंने कहा कि 1967 से पहले जिन स्टेट्स ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है सिर्फ वो माने जाएंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट. ओके, बाकी इसके बाद अगर कोई टेस्ट करता है तो वो सब इसका वायलेशन होगा, और अगर आपने जबरदस्ती कर भी लिया है तो हम आपको न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानेंगे. तो आप कह सकते हो कि इंडिया को वैसे ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानोगे क्योंकि हमने कब टेस्ट किया, 1974 में, राइट. ये एनपीटी ट्रीटी सिर्फ मानती है कि ये पांच स्टेट P5 वाले जिन्होंने 1967 से पहले टेस्ट कर लिए थे सिर्फ यही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं. तो इसलिए इंडिया का स्टैंड ये रहता है कि ये ट्रीटी है डिस्क्रिमिनेटरी और हम इसको साइन कभी नहीं करेंगे, और हम साइन नहीं कर पाए इसको कभी, इसलिए हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनाया गया. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि जो न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, फ्यूल है, मटेरियल्स है, वो सबका एक्सेस. ठीक है, तो हम लोग एनएससी के मेंबर नहीं है, हालांकि हमारा बिहेवियर पीसफुल रहा है हमेशा से, कि हमने सिर्फ इसको एक एज अ डेटोनेटर यूज किया है. ठीक है, डेटर करने के लिए अपने एनिमीज को हम यूज नहीं करते, और हमने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी फॉलो की है. तो हमने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, उसने कहा कि इंडिया साइन नहीं करता, मैं भी नहीं कर रहा. चलिए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर आए कि हम बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पज के लिए कोई टेस्टिंग नहीं करेंगे, उस पे टोटल बैन लगाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैन. पहले लेकर आए थे ये लोग पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पार्शियल, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने लैंड पे कर लिया था, सबमरीन में कर लिया था, सॉरी अंडर सी कर लिया था, तो उनका था कि चलो आसमान में करेंगे, एटमोस्फेयर में करेंगे, तो पहले पार्शियल लेके आए कि जमीन पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज उनके पास तो अभी उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो अंडर सी कर ले या वो एटमोस्फेयर में कर ले. बट जो कंट्रीज ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे कर चुकी थी उनका अगला ऑब्जेक्टिव यही था कि चलिए अब अंडर सी करेंगे, अब एटमोस्फेयर में करेंगे. तो पहले लोग पार्शियल टेस्ट बेंड लेकर आए, फिर जब इन्होंने बाकी जगहों पे भी कर लिया तो फिर ये लेकर आए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेंड, यानी कहीं पे भी नहीं करना है, अब किसी भी एनवायरमेंट में टेस्ट नहीं करना है फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एज वेल.
देन ये अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 2017 में आई है तो हमें सॉरी 2017 में आई है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फोर्स में अभी आई है 2021 में, इट केम इनटू फोर्स इन 2021। ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये प्रोहिबिट करता है एवरीथिंग एंड इट मेक इट इलीगल, ये इलीगल बना देता है कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, या आप ट्रांसफर भी कर रहे हो किसी और को, या आप कहीं से एक्वायर कर रहे हो, स्टॉकपाइल कर रहे हो, ठीक है, या ऐसा कुछ भी कर रहे हो अगर न्यूक्लियर वेपन के केस में, तो ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट है, राइट। और ये ट्रीटी आई है 2021 में इंटू फोर्स। उसके बाद कुछ ग्रुप्स बनाए गए, जैसे एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एंड एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये दो ग्रुप बनाए गए ताकि एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगाया जा सके कि आपको ऐसे किसी लोगों के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। ये सब डिटेल में कल करवा चुका हूँ प्रीलिम्स के वीडियो में, तो अब वापिस बार बार सेम चीज़ें नहीं कर रहे। यहाँ पे आईएई एजेंसी की बात हो रही है जो सेफगार्ड लागू करती है आप पे, इंस्पेक्शन वगैरह करती है कि आप अपने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है वहां पे ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो कि आप बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इराक पर भी यही एलिगेशन लगाए गए थे कि ये बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और यूएसए ने उस पर इन्वेजन कर दिया 2003 के आसपास, सद्दाम हुसैन को मार भी दिया। उसके बाद जब आईएईए ने इंस्पेक्शन किया इनकी फैसिलिटीज का, उन्होंने कहा यार यहाँ तो वेपन बनाने जैसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका भी की भी आधी जनता बिल क्लिंटन था या जॉर्ज बुश, आई थिंक जॉर्ज बुश, उसको गालियां देती है। एक बार उसकी एक कॉन्फ्रेंस में जूता उठा के मार दिया था किसी ने कि तुम्हारी वजह से हमारे सैनिक भी मारे गए, इराक में कई बेकसूर भी मारे गए जंग में, और न्यूक्लियर वेपन कुछ निकला ही नहीं वहां, ठीक है। तो आईएईए को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंस्पेक्शन करेगा, वो इंश्योर करेगा कि उस फैसिलिटीज में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको पूरी ये पिक्चर समझ में आ गई होगी ना अब तक की, तो अब बाकी के पॉइंट्स आप अपने आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। इंडिया की पोजीशन क्या है इस पे? पहली कि हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वेपन, न्यूक्लियर वेपन हम प्रोसेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे नेबरहुड में हमारे पास प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हमारे लिए एक चैलेंज है, नेबरहुड में हमारे पास चाइना एक चैलेंज है, ठीक है, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, बट हम ये भी फॉलो करेंगे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एनएफयू, हम पहले यूज नहीं करेंगे। अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर हम रिटेलिएट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हमारा मोटिव बिल्कुल है कि रीजनल पीस बनाया जाए, बना के रखा जा सके, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर वेपन को सिर्फ यूज करते हैं एज ए डेटरेंस, ठीक है, यूज करने के लिए नहीं। एडवोकेट फॉर ग्लोबल डिसआर्ममेंट, तो यस, हम लोग आज भी एडवोकेट करते हैं कि देखिए हम डिसआर्ममेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन ये डिसआर्ममेंट डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, यानी हम करें तो बाकी भी करो, यूएसए यूएसएसआर सभी कंट्रीज को करना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ऐसा नहीं कि 67 से पहले जिन्होंने कर लिया था तो वो लोग हो गए हैव, और जिन्होंने बाद में टेस्ट किया वो हो गए हैव नॉट, ठीक है, नहीं। ये दो प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो तो हम तो खुद सपोर्ट करते हैं डिसआर्ममेंट को। ऑलराइट, इसके बाद कॉम्प्लेक्स पोजीशन, हमारी कॉम्प्लेक्स पोजीशन ये है कि देखिए हमें सिविलियन यूज के लिए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमें यूरेनियम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम देते रहते हैं। उसके बाद हमारा जो डिस्टर्ब नेबरहुड है, ठीक है, तो उस वजह से हमें वेपन भी रखना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग एडवोकेट भी करते हैं कि लेट्स डू डिसआर्ममेंट, ठीक है, बट अगेन सेम इक्वल बेसिस पर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर पे। हमने साइन नहीं किया है एनपीटी, उसके बाद भी हम इंटरनेशनल लेवल पर फोरम्स में हमेशा एडवोकेट करते रहते हैं दैट वी आर विथ एंड वी स्टैंड फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है, वी स्टैंड फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी बट ऑन टर्म्स दैट आर फेयर एंड इक्वल टू एवरीवन, ठीक है। तो इंटरनेशनल एंगेजमेंट हम लोग हमेशा ज्वाइन करते रहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, तो इसमें वही बात है कि हम डिसआर्ममेंट चाहते हैं बट ऑन आर टर्म्स, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो इक्वल और इक्वल हो बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो बिगड़ रहा है उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, ठीक है, इश्यूज ओवरऑल एंड इश्यूज स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। देखिए पहली बात तो कि प्रोलिफरेशन बढ़ता जा रहा है, बात कर रहे हैं हम नॉन प्रोलिफरेशन की, बट सच यही है कि प्रोलिफरेशन बढ़ता जा रहा है। आज अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बना के बैठा है ना, तो उसका रीजन दो ही कंट्रीज है, चाइना एंड पाकिस्तान,
इंटेल रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों कंट्रीज ने टेक्नोलॉजीज और अपनी मैन पावर शेयर की है नॉर्थ कोरिया के साथ, इसलिए नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बना पाया। अदरवाइज वो इतनी आइसोलेटेड कंट्री है कि वो क्या कर पाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए आकुश में, कल के न्यूज़पेपर में ही बताया था मैंने। आकुश आकुश ने डील की है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेंगे ये सब। पर सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है ना, तो फिर एनपीटी में तो आपने प्लेज लिया था कि मैं नॉन न्यूक्लियर स्टेट के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, बट आप तो न्यूक्लियर सबमरीन शेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, राइट? और कौन शेयर कर रहा है? यूएस और यूके दोनों। ठीक है, तो प्रोलिफ्रेशन को सबसे पहला चैलेंज आता है इस ग्लोबल ऑर्डर में। दूसरा, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। अब देखिए, हमने आर्म्स कंट्रोल के लिए कई ट्रीटी कर ली, ठीक है, अभी 2017 में भी कर ली, उससे पहले यूएस यूएसएसआर आपस में भी करते रहे। बट प्रॉब्लम है कि आप लोग ट्रीटी तो करते हो, बट आप लोग खुद ही इनके साथ एडर नहीं करते हो। सो ये जो लैक ऑफ एडरेंस है ना, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, कि ट्रीटी साइन कर भी लो तो कंट्रीज आर नॉट अबाइडिंग बाय इट। थर्ड इज इमर्जिंग थ्रेट एंड एक्टर्स। अब सोचिए कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह ये सब रखे हुए हैं, ठीक है, फैसिलिटीज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो सब अपनी तरह से काम कर रही है। अब सपोज कीजिए एक नया थ्रेट उभर के आता है कि साइबर अटैक होता है, ठीक है, और आपकी उस फैसिलिटीज का पूरा कंट्रोल हैकर के हाथ में चला जाता है, राइट? तो ये एक नया थ्रेट उभर के आया है, दिस साइबर अटैक, जिसको हम कहते हैं ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? ये जो साइबर अटैक है ना, ये कभी भी इन चीजों को बेकाबू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो वो मैंने आपको ऊपर समझाई। रशिया को रोकने के लिए यूएसए, यूएसए का एनिमी चाइना, चाइना को रोकने के लिए इंडिया, इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान, इस तरीके से पूरा एक साइकिल में इशू आ गए, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल चैलेंज कि रशिया ने डी रेटिफाई कर दिया, ठीक है, पहले रेटिफाई किया था फिर डी रेटिफाई कर दिया कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड नो वंडर कि कभी वो टेस्ट कर भी दे दोबारा कि मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ आपका एक ही ट्रीटी, राइट? उसी तरीके से यूएस रशिया के बीच जितनी भी बायलेटरल ट्रीटी थी, ठीक है, एक लास्ट बची है जो 2026 में एक्सपायर हो जाएगी, और बाकी की सारी ट्रीटी ऑलरेडी वो लोग कैंसिल कर चुके हैं, ऑल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। ओके, इसके बाद बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो देखिए कई बार क्या होता है, साइबर अटैक तो चलो अपनी जगह है, कई बार ह्यूमन एरर से भी कोई हादसे हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर की वजह से भी कई बार आपकी जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज में प्रॉब्लम तो हमने देखी है, फुकुशिमा प्लांट हो चाहे चेर्नोबिल हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, बट अगर वेपन में कल को कोई ह्यूमन एरर हो जाए एंड वो किसी गलती से ब्लास्ट हो जाए, तो वो तो फिर ऐसा है कि अगर इंडिया में हुआ तो पाकिस्तान में भी असर होगा, पाकिस्तान में हुआ तो इंडिया में भी होगा, ठीक। चलिए अब इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लें, तो इंडिया का स्टैंड आज भी वही है कि देखिए मैं तो किसी को स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमने तो एनपीटी साइन नहीं किया, उसके बाद भी हम लोग इस प्रिंसिपल को एडहर करते हैं कि यस, ये टेक्नोलॉजीज, ये वेपन्स, ये किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, ठीक है, दो वी आर नॉट सिग्नेटरी टू एनपीटी बट स्टिल वी अबाइड बाय इट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर आर्सेनल का एक्सपेंशन, तो हाँ वो एक्सपेंशन तो हो रहा है ऑल बिकॉज, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है एंड साथ साथ पाकिस्तान का भी। हमने मैंने ऊपर आपको दिखाया पाकिस्तान का 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, हमारे पास 164 है, ठीक है, तो ये कंपटीशन में आप कह सकते हो कि एक तरह की आम रेस जो चल रही है हमारे नेबरहुड में, उस वजह से हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है हमारी चाइना के साथ। दूसरा, रिलेशन विद पाकिस्तान, तो ये अपने आप में एक इशू है, क्योंकि पाकिस्तान देखिए एक इनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, वहाँ ऑलरेडी काफी इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हमें हमेशा एक थ्रेट रहता है कि इनकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जिहादिस्ट, इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ न्यूक्लियर वेपन ना लग जाए, बिकॉज वो अगर यूज करेंगे तो फिर हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा, जिसका अंजाम पूरी पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा, राइट? ऑल ड्यू टू दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। नेक्स्ट इज चाइना फैक्टर, तो हाँ ये हमेशा एक इशू रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अपना चैलेंज देखता है यूएसए की तरफ और हम अपना चैलेंज देखते हैं चाइना की तरफ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से ऑलरेडी बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है, इस बॉर्डर टेंशन की वजह से हमेशा हमारे लिए एक, आप कह सकते हो कि हमें अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी इस तरफ डाइवर्ट करके रखनी पड़ती है, क्लियर? अब फर्दर स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं, मैंने सिंपल पॉइंट्स लिख दिए हैं और जितना अभी तक ऊपर एक्सप्लेन करा है सब कुछ वही सब है, ठीक है, कि हमें डिसआर्ममेंट एडवोकेट करते रहना चाहिए एंड रिडक्शन एंड अल्टीमेट एलिमिनेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है,
हमें ये जो नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स हैं इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि फिर से कोई नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री पाकिस्तान या चाइना की मदद से वेपन ना बना पाए, या फिर से कोई पाकिस्तान कहीं से टेक्नोलॉजी चोरी करके इस तरह से न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। तो हमें इस नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी मस्ट गो ऑन ऑलवेज, एंड एंगेजमेंट विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यही सब, कि देखिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना आ गया, ठीक है। ऑलरेडी साइबर अटैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एम्स की वेबसाइट हैक हुई, ठीक है, रैनसम वेयर अटैक हुआ था। तो ये चीजें कल को अगर हमारी इंफ्रा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इनको अगर अपने कंट्रोल में ले लेंगी, तो फिर ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैलेंज है ना, हमें इनके लिए तैयार होना चाहिए। न्यू ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है, क्योंकि ये श्योर है कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो इंडिया साइन नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा, इसराइल साइन नहीं करता है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया तो खैर मतलब ही नहीं रखता इन सबसे। तो हमें कुछ न्यू ट्रीटीज और एग्रीमेंट की जरूरत है जो फेयर हो, इक्विटेबल हो, ओके, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। उसके बाद एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पब्लिक का जो प्रेशर होता है ना दुनिया गवर्नमेंट्स पर, आज अगर क्लाइमेट चेंज के लिए इतनी सारी बातें हो रही है, इतनी सारी कोशिश हो रही है, दिस इज ऑल ड्यू टू पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक देख रही है उस चीज को और वो प्रेशर बना रही है। कई बार कई मूवमेंट्स है, जीरो डे की बातें करते हैं, ठीक है, इस तरह की जो पब्लिक मूवमेंट्स होती है ना, वो हमेशा से एक प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट पर कि नहीं ये वॉर आप लोगों को तो लड़नी नहीं है, लड़नी आम इंसानों को ही है, ठीक है, मरना आम इंसानों को। आप बड़े बड़े नेता लोग सब बंकर्स में छुप जाते हैं उस टाइम पर, मिलिट्री ऑफिशियल जो होते हैं वो अपने कमांड सेंटर में चले जाते हैं। सो ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एजुकेटिंग एंड मेकिंग द पब्लिक अवेयर एज वेल एज असर्टिव कि नहीं ये सब वेपन्स बहुत डेडली हैं, ये पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करने का दम रखते हैं। ओके, सो ये कल न्यूज़पेपर में आया था, तो आई थॉट कि इसको डिटेल में करना चाहिए। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।